पहले किया बदमाश का इनकाउंटर, फिर बाद में कराई बेटी की शादी। बेटी की शादी में पिता बने पुलिस वाले, पुलिस ने शादी में खर्च किए 5 लाख रुपए। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। जालौन में पुलिस का एक ऐसा अलग रूप देखने को मिला। एक वो समय था जब दुर्दांत सुल्ताना डाकू को पकड़कर ब्रिटिश पुलिस ने फांसी पर चढ़ाया और इसके बाद ब्रिटिश पुलिस अफसर फ्रेडी यंग ने उसके बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया था। अब कुछ इसी तरह का मामला जालौन पुलिस ने किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में उस बदमाश की बेटी की धूमधाम से शादी करवा दी जो पिछले साल इनकाउंटर में मारा गया था। मामला जालौन के उरई नगर का है, जहां पिछले साल मई में कल्लू और रमेश नाम के बदमाश ने सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या कर फरार हो गए थे और हत्या के 4 दिन बाद ही दोनों पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे। बदमाश रमेश का परिवार बेहद गरीब है। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। पुलिस ने रमेश की पत्नी तारा देवी को उसकी बेटी की शादी कराने का वादा किया था और करीब 10 महीने बाद वो वादा पूरा किया गया। रमेश की बेटी शिवानी की शादी उरई नगर के एक हाल में धूमधाम से हुई। इसमें शिवानी के रिश्तेदारों के अलावा उरई नगर के कई लोग शामिल हुए। शादी में सभी इंतजाम पुलिस वालों ने संभाले। पुलिस के इस मानवीय पहल की चारों तरफ तारीफ हो रही है। रमेश की पत्नी तारा देवी ने कहा कि वह आर्थिक तंगी के कारण बेटी की शादी को लेकर चिंतित थी। आय का कोई जरिया नहीं था, ऐसे में पुलिस वाले मसीहा बनकर आए। हमें बहुत मदद मिल रही, खुश हैं हम बहुत ज्यादा। सब मदद मिल रही, कोई कमी नहीं है हमारे पास, सब चीज है। सब सर हमारी मदद कर रहे हैं, खाना से पीना से शुरू से मदद हो रही है। हम बहुत खुश हैं। हम तो ये कहना चाहते जैसे हमारी बेटी की शादी हो रही, सबकी बेटी की हो, ऐसे सब बेटियां खुश रहें, जैसे हमारी बेटी खुश है आज, जैसे हम खुश हैं सबके। धन्यवाद है सी ओ साहब का, धन्यवाद कप्तान सर का, धन्यवाद जो हमारी बेटी के लिए इतनी मदद कर रहे हैं। राठौर साहब का धन्यवाद, अमित पाड़ी का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। गाँव वाले सब सब जो हमारे साथ में कर रहे हैं बहुत खुश है। हमें कोई कम नहीं है, खुश है। आपको बता दें कि शादी समारोह में पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। शादी पर पुलिस ने 5 लाख रुपए खर्च किए और रमेश की बेटी को बाइक, फ्रिज, टीवी, कूलर और सोफा समेत दहेज का दूसरा सारा सामान दिया। दिनांक 14 मई 2023 को जिला जालौन में 2 दुर्दांत अपराधियों के साथ जालौन पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दोनों अपराधी मारे गए। इस मुठभेड़ के बाद मारे गए बदमाश रमेश के परिवारीजन जालौन पुलिस से मिले थे और उनका कहना था कि हमारे पति ने अपने अपराधों की सजा पाई है, उसे अपने कर्मों की सजा मिली है, बट अब हमारी बेटियों की, 2 बेटियों की शादी कौन कराएगा, कैसे होगी। इस पर जालौन पुलिस ने उनको वचन दिया था कि जब भी आपकी बेटियों की शादी होगी, जालौन पुलिस जन सहयोग से उनकी शादी धूमधाम से कराएगा। अभी 2 दिन पहले दिनांक 2 मार्च 2024 को बड़ी बेटी शिवांगी की शादी थी, उसको पुलिस ने जन सहयोग से बड़े धूमधाम से शादी करवाई और अपना वचन निभाया। जालौन से खबर हमारे संवाददाता अली जावेद ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।